नमस्कार, मेरा नाम दिव्या बेन मनुभाई पटेल है। मैं दमन से हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट प्राइमरी मॉडल स्कूल है। मैं यहाँ पे जो ZIIE के जो ट्रेनर्स हैं, उन्होंने हमें जो ट्रेनिंग दी है, उससे हमें शिक्षा में कैसे नवाचार ला सकते हैं उसके बारे में हमें पता चला। तो आज हम अपने नवाचार यहाँ पे पेश करने वाले हैं। शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार से हमें बहुत कुछ जानने को मिला। पहले इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन जब ये ZIIE के जो ट्रेनर्स हैं वो हमारे स्कूल में आए, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दिया, इसके बाद हमें इसके बारे में पता चला। हम अपने स्कूल में ये सब तो करते ही रहते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में उन्होंने हम लोगों को ट्रेनिंग दिया, तो हमें इसके बारे में ज्यादा पता चला। कैसे हमारे पास जो साधन है उसका हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, और उसके ज्यादा से ज्यादा उपयोग से किस तरह से बच्चों में ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाए उसके बारे में हमें पता चला। पिछले साल हमारे स्कूल का एक टीचर था, उसको अवार्ड मिला, तो हमें भी उससे इंकरेज मिला कि हम भी कुछ अपना नवाचार, हम भी अपना जो आइडिया है वो पेश करें। तो आज हमें भी यहाँ पे इसीलिए बुलाया गया है। मेरा आइडिया का टॉपिक है बोर्ड क्या कहता है, या फिर आज क्या देखा। पहले तो इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था। एक दिन जब पढ़ा रही थी तो एक बच्चा, मैं पढ़ा रही थी लेकिन बच्चा वो ड्राइंग कर रहा था, तो बाजू वाले ने बोला टीचर ये ड्राइंग कर रहा है। मैंने जाके देखा तो बच्चे ने एक एरो बनाया था। मैंने उससे पूछा क्या बना रहा है, तो बच्चे ने बोला कि आज रास्ते पे आके एक बोर्ड देखा, उस पर एक ऐसा एरो था। तब मुझे आइडिया आया कि चलो इससे बच्चों को थोड़ा पढ़ाने में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाओ। तो मैंने बच्चों से कहा कि कल सुबह आप जब आओ स्कूल में, तो रास्ते में जितने भी आपको बोर्ड दिखाई दे, जितने भी साइन बोर्ड है, वो सब आप बराबर से अच्छे से देख के आओ, हम लोग यहाँ पे उसका ड्राइंग का कॉम्पिटिशन रखेंगे। तो दूसरे दिन मैंने सब बच्चों को ऐसे कागज और पेन सब लाते ही है ड्राइंग का, तो मैंने बोला चलो आज हम लोग जो रास्ते में जितने भी चीजें देख के आए हैं उसका ड्राइंग बनाते। तो सब बच्चों ने ड्राइंग में पढ़ लिया। दूसरे दिन मैंने बोला कि कल हम लोग पढ़ के आएंगे, रास्ते में जितने भी आपको विज्ञापन दिखाई दे या फिर कुछ और दिखाई दे वो पढ़ के आना है और आके बताना है। तो दूसरे दिन सारे बच्चे कुछ नहीं भी पढ़ के आए, लेकिन कुछ तो जो पढ़ के आए वो आगे आए और बताया कि उन्होंने आज क्या देखा। तो उसको देख के दूसरे बच्चे भी इंकरेज हुए कि हम भी बताएंगे। तो जो बाकी थे वो बच्चों को मैंने बोला कि आप लोग अभी कल सब पढ़ के आने का और यहाँ पे आके बताने का। तो दूसरे दिन वो भी बच्चे ने वो सब पढ़ के आए और बताया। जिसको पढ़ना नहीं आता था उन लोगों ने बताया कि हमें पढ़ना नहीं आता है। तो मैंने कहा कि पढ़ना नहीं आता है लेकिन देखते तो हो, तो वो क्या है, कैसा है, क्या सब यहाँ पे आके बताओ, हम सब सुनेंगे और फिर कहेंगे कि वो क्या है, फिर समझेंगे और सबको समझाएंगे भी। तो इससे ये फायदा हुआ कि बच्चों को आगे आके बोलना सीख गए, बच्चों में जो डर था, अपनी जो मन की बात थी वो जो डर था वो डर निकल गया, और बच्चे अपने मन की बात करने लगे, और साथ में जो बोलना है, जो ड्रॉ करना है या फिर जो करना है वो सब यहाँ पे आके सोच सोच के जो देखा, और साथ में अपने मन की भी बात वो लोग यहाँ पे कह सके। और ये जो ये ZIIE है, ये नवाचार से हमें यहाँ पे बुलाया गया दिल्ली में, और यहाँ पे उन लोगों ने अवार्ड देके सम्मानित किया, उसका धन्यवाद।